हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर आए कि आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट्स। आप लोग सोलमेट हैं, ये तो एक कार्ड क्लियर कर रहा है कि आप सोलमेट हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि हम लोग सोलमेट हैं। आप लोगों को हो सकता है कि बटरफ्लाई भी दिखती हो, मधुमक्खियां भी दिखती हो, ठीक है। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको चलते चलते येलो कलर की बटरफ्लाई दिखती हो, अभी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रही हैं, जैसे येलो में ब्लैक डॉट्स वाली बटरफ्लाई दिखती हो, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जी, जो आपके पर्सन इतने स्टबर्न थे, इतने जिद्दी थे, जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानते थे, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है आपके पर्सन के अंदर। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ में वो आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी पूजा पाठ भी कर रहे हो, नवरात्रे भी रख रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि अभी आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश में हैं। वो आपको जो है फॉलो कर रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे ही अपनी मतलब दुनिया देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ खास बात है। चाहे वो आपसे अभी तक दूर रहते हों, लेकिन अगर दूर भी रहते हैं तो भी वो अभी पूजा पाठ में ध्यान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और वो देखते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है। और आपकी लाइफ में कितने ही बड़े जो है प्रॉब्लम हो जाएं, तो भी आप जो है उनसे बाहर निकल आते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो वो आपको देख करके इंस्पायर हो रही हैं और अपनी लाइफ में वैसे ही चेंज लाना चाहती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही थी नो कॉन्टेक्ट की, नो कम्युनिकेशन जोन की, तो वो अभी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज कि वो आपके साथ में फिर से आना चाहते हैं। बहुत उदास बैठे हैं, उनको आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। उनका दिल आपके पास ही है, आपसे कनेक्ट है, आप लोगों का सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी वो आपसे दूर होते हैं तो सुखी नहीं रहते, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और वो आपसे रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है पास्ट के, वो उनको हम लेट गो करके आगे बढ़े, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं रेनबो दिखाई देता होगा आपके फोन वगैरह में, आपको जो है अपना जब भी आप फोन देखते होंगे तो आपको ऐसा वॉलपेपर दिखाई देता होगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता होगा। यहाँ पर वो आपके साथ में बहुत खुश रहना चाहते हैं, बहुत ही एंजॉय करना चाहते हैं, हर पल जीना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी फील होती है। अगर जब दूर होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है हमारे बीच में, तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि सारी खुशियां तो आपके साथ ही है मेरी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है और क्या कहना चाहते हैं, फिर हम साइन देखेंगे उनके। न्यू बिगनिंग आर कमिंग, वेरी नाइस गाइज। देख लीजिए, आपके सामने ही निकाले हैं, यू आर माई ट्विन फ्लेम। यहां पर मैंने सोलमेट का कार्ड देखा था, ये देखिए, और आप लोग उनके ट्विन फ्लेम हैं। कुछ लोग सोलमेट हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, ठीक है। वो कह रहे कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो है उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है। बात बात पे उनको आप झिड़क देते होंगे, बात बात पर उनको आप जो है ऐसा कहते होंगे कि मैं आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ऐसा उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। शायद वो अटेंशन आप उनको नहीं दे रहे जो पहले देते थे। देखिए, ऐसा कह रहे कि आप सब कुछ है उनके लिए, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे पर्सन को मैंने कभी नहीं देखा, यानी कि इतना अटैचमेंट उनको फील होता है। हर तरह से वो आपको पाना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद लगा करके वो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको खोने से डर रही हैं। अभी वो आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रही हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आपके जैसे अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर माई ट्विन फ्लेम सोलमेट, वेरी नाइस। दो बार ये कार्ड बता रही है और ये तीसरी बार ये आया है, यू आर माई ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो ये थी गाइज आपके पर्सन की तरफ से मैसेज और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अभी हम देखते हैं उनके साइन।
आपके पर्सन के साइन, देखिए आपके पर्सन प्यार का ऑफर देना चाहते हैं आपको, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे अंदर अभी मैच्योरिटी आ रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना चाहता हूं, आपके साथ खुश रहना चाहता हूं, मैं आपको भुला नहीं सकता हूं, मैं हर तरह से आपको पाना चाहता हूं, ठीक है। आपको प्यार का ऑफर वो देना चाहते हैं, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जस्टिस मिलेगा आपको, देखिए लिब्रा हो सकती है आपके पर्सन, एक्वेरियस हो सकती है, टॉरस हो सकती है, देखिए सेम कार्ड निकला है एयर साइन का, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पर्सन आपको याद करके रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं रात को उठ उठ करके, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चाहे पहले ऐसा नहीं दिखाते हूं और पहले इतना फील नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी उनके अंदर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ रही है, इस वजह से उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और वो इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस, आपके साथ में आना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, वो इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। काफी लंबा टाइम पीरियड बीत गया, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका जो कनेक्शन है ना बहुत पुराना कनेक्शन है, और इस पेन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ, और अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा मिस करती हैं, अगर दूर हैं तो, नो कॉन्टेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, तो अपने बच्चों को बहुत मिस करती हैं, और उनको क्लियरिटी मिल गई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पास्ट को लेट गो करके आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते थे। देखिए दो दो कार्ड आए थे एस के, ठीक है, और एक वो जो न्यू बिगनिंग का आया था, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो यहाँ पर तो फूल का कार्ड भी यही बताता है कि वो आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको 111 दिखते होंगे, आपको 1111 दिखती होंगी, लेकिन गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी की परवाह नहीं करते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे पहले कितने ही साल बिता दिए हों आपके बिना उन्होंने, लेकिन वो अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। आप उनको मौका दे सकते हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आप लोगों की लाइफ में बहुत पेन रहा है आपके पास्ट में, आपके पर्सन यही पर्सन जो बार बार छोड़ के जाते होंगे, बार बार वन ऑफ की सिचुएशन में रहते होंगे, मन में आया तभी आपको छोड़कर चले जाते होंगे, ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और यही बंदा आज आपके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है आपके लिए, और आपके साथ में रिकंसिलिएशन करना चाहता है। अब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक फेज जो उनकी लाइफ की वो चल रही थी, बार बार गोल गोल घूम रहे थे उसमें, वो खत्म हो गई है, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेती हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। आप और आपके ट्विन फ्लेम मिरर कर रही हैं इस टाइम जो है, आप और आपके ट्विन फ्लेम मिरर कर रही हैं। पेशेंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि एक जो ट्विन है ना आपका, या सोलमेट जो है, जैसे आप मेरे यूनिवर्स को क्लैरिटी मिल गई है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये सब कुछ होना चाहिए, इनर वर्क कर रही हैं आप मेरे यूनिवर्स, लेकिन आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही है, मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, ठीक है, वो अभी क्लैरिटी पाना चाहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो ट्रस्ट नहीं करते इन चीजों में, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ये बातें आ रही हैं। आप बताते होंगे तब वो ट्रस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे उनके ऊपर जो है ट्रस्ट करना सीख रही हैं, ठीक है, तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा। देखिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका ट्विन भी या आपका सोलमेट भी नेगेटिव सोचता है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे मिरर कर रही हैं आप, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए। 999 आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में, नेक्स्ट लेवल तक आप अपनी रिलेशनशिप को ले जाएंगे, अपनी लाइफ में जो जिस फेज में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलेंगे, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव रहना है अपने कनेक्शन को लेकर के, आपका ये कनेक्शन जो है ट्रू कनेक्शन है, और आप और आपके पर्सन जो भी सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, ये जो थिंकिंग है ये सब जो है ये ट्रू है, ऐसा नहीं है कि दिखावा है, ठीक है, और आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपने कनेक्शन को लेकर के। अब आपके पर्सन के दिल में क्या है वो अभी सामने आएगा, कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं एक दूसरे को आप बताएंगे, ठीक है,
आपकी भी जो फीलिंग्स हैं वो सामने आएंगी आपके पर्सन की, और आपके पर्सन भी हो सकता है कि आपको बता दे, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिवर्स कह रहा है। तो ये थे गाइज आपके लिए मैसेज। अभी मैं देख लेती हूँ चार्म्स रीडिंग। जो मेरे व्यूअर्स चार्म्स रीडिंग देखना पसंद करते हैं उनके लिए मैं चार्म्स रीडिंग करना चाहूंगी। एनर्जी निकल कर आएगी, मैं वो बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। देखिए आपके पर्सन आपके लिए काफी पैशनेट फील कर रहे हैं अभी, काफी जो है आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन देखिए, अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है अभी आपके प्रति। अबंडेंस लाना चाहते हैं, खुशी लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा खुशी आना लाना चाहते हैं। यहाँ पर उनको लगता है कि इसने हर्ट को क्लोज कर लिया है, यानी कि मेरे व्यूअर्स ने अपने हर्ट को क्लोज कर लिया है, ऐसा वो सोचते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। आप थोड़ा सा जो है उनकी तरफ कदम बढ़ाइए, उनसे बात करिए, ठीक है। प्यार बहुत ज्यादा है उनके दिल में आपके लिए, अभी वो आपके लिए सोच रहे हैं, कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, यकीन नहीं होगा आपको, ठीक है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है बदल रहे हैं। मैंने बताया था अक्टूबर में जो है आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद मैंने बताया था, 12 सितंबर के बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है एयरफोर्स नेवी या किसी भी जॉब में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हूँ और आपके लिए म्यूजिक सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपकी फोटो को भी देखते हैं, आप कहाँ जाते हैं आते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू, वो आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।